देख रहे हो हम हैं अभी मंसूरी में और इधर आप देख रहे हो वो वाली चोटी, ये बहुत ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी मैं हूं मंसूरी में, यहां पे आप देख रहे हैं सभी लोग यहां पे रुके हुए हैं, हमारे अनूप भाई भी यहां पे वीडियो शूट कर रहे हैं और हमारे बड़े भाई। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आज बादल ज़्यादा आ गए हैं तो इसलिए वो सबसे ऊंची चोटी दिख नहीं रही है और मैं हूँ टेरिस पे। ये देखिए बहुत अच्छा यहाँ का सुंदर नज़ारा है, अभी आपको व्यू कराता हूँ यहाँ का। बताना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम भट्टा फॉल पे नहीं जा सकते क्योंकि समय मेरे पास बहुत ही कम है और अभी समय हो चुका 3 बज चुका है और मेरी ट्रेन जो है वो है 6 बजे की और 6 बजे देहरादून भी पहुँचना है और मंसूरी पे पहाड़ों पे हैं अभी बीच में, तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं तो यहीं से देख लीजिए आप, इसके लिए सॉरी दिखा नहीं पाए, कुछ नहीं बस झील है। और अभी अभी वहाँ पे जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे बादल नहीं थे, लेकिन अब वहाँ पे बादल आ गए हैं, जहाँ पे अंकल जी खड़े हुए हैं वहाँ पे बादल भी आ चुके हैं। आप देखिए कितना अच्छा, आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे ऊपर होते थे बादल, लेकिन आज बादल हमारे नीचे हैं। आप देख सकते हैं बादल को ऐसा पकड़ सकते हैं, लेकिन क्या करें धुआं है भैया। सच बताऊं तो यहाँ इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अभी निकला नहीं था ट्रिप पे, लेकिन ये मेरी दूसरी ट्रिप है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं विदेश में हूँ सच में। आप देख लीजिए, ये देखिए आप, अभी यहाँ पे
बैठा हुआ हूँ, योगा कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो ठंडी हवा है वो सीधा सीने में लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्या बताएं। अगर आप इंडिया नहीं आए तो इंडिया में रहते हैं, लेकिन आप विदेश जाते हैं, कहेंगे लंदन जाएंगे, वहाँ जाएंगे, अरे यहाँ आओ, देखो देखो बारिश होने लगी है। मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो बारिश होने लगी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी यहाँ पे देखो बादल नहीं थे, ठीक है, वो बात मान लिया, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे बारिश भी होने लगी यार, ये देखिए यहाँ का व्यू, ये देखिए काफी बादल, ये देखो उड़ रहा है हमारे पास, ये बादल उड़ रहा है यार ऊपर। अनु भाई बादल पकड़ो, बादल देखो, ये बादल आ गया, पानी आ गया, सब कुछ, पता नहीं यार कहाँ से पानी ला रहे हैं, ये देख लीजिए काफी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ये देखिए भट्टा फॉल के ऊपर खड़े हुए हैं, भट्टा फॉल अभी दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है, ये देखिए अभी भट्टा फॉल दिख रहा था, लेकिन अब नहीं दिख रहा है क्योंकि वो बादल में गायब हो चुका है। ये देखिए स्टेशन भी ऊपर दिख रहा था, लेकिन वो भी अब नहीं दिख रहा है क्योंकि बादल में गायब हो, अब हम भी नहीं दिख रहे हैं, अभी कुछ देर बाद हम भी नहीं दिखेंगे, भाई नहीं दिखेंगे, टैक्सी भी नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। ये देखिए उड़न खटोला आ रहा है, हेलो, वो देखिए उड़न खटोला आ रहा है, हाँ बताइए। अभी ये नीचे गया था लेकिन अब ये ऊपर आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है यार, ये देखिए भाई बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये है उड़न खटोला, यहाँ स्टेशन बना हुआ है, उसके बाद वहाँ नीचे स्टेशन बना हुआ है, वो खड़ा है गाड़ी। जैसा कि आप लोग देख रहे हो नीचे का व्यू, ये आप नीचे का व्यू देख रहे हैं, ये है पानी फिल्टर यहाँ पे हो रहा है, और अभी आपको दिखाने वाला हूँ उड़न खटोला, नाम सुना होगा, देखा भी होगा मूवी में, और वो अभी स्टेशन से चला हुआ है, वो अभी फिलहाल आ रहा है, और ये हमारे अंकल जी यानी कि टैक्सी से हम लोग आए हुए हैं, वो देखिए वो वहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ पे एक एक बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी ऊंचाई पे हूँ, आप देख सकते हैं, ये देखिए बादल भाई क्या। अगर आप हरिद्वार आए हैं तो मंसूरी ज़रूर घूमने आइए, और यहाँ पर खास बात यह है कि आपका जो खर्चा यहाँ पर लगेगा हरिद्वार से मंसूरी घुमाने का लगभग 2500-3000 रुपये, और आप यहाँ पे जगह जगह पे होटल हैं, वहाँ पे होटल में रूम लेकर रह सकते हैं, और जो जो हमारे ड्राइवर जी हैं वो आपको सारी जगह घुमा देंगे, लेकिन यहाँ पे पैसा बहुत लगता है, हर एक पार्किंग का 100 रुपये, जहाँ भी आप घूमेंगे, जहाँ भी गाड़ी पार्क करेंगे वहाँ पे 100 रुपये, बिना पार्किंग आप गाड़ी नहीं कहीं खड़ी कर सकते हैं। इसके साथ साथ टूल टैक्स है, और यहाँ पे जैसे कि कैंपटी फॉल में पंचायत है, जिला पंचायत है, वहाँ पर वो लेते हैं। उड़न खटोला, यहाँ स्टेशन बना हुआ है, उसके बाद वहाँ नीचे स्टेशन बना हुआ है, वो खड़ा है गाड़ी। उम्मीद करता हूँ आपको भट्टा फॉल का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, देखिए अब फिर से भट्टा फॉल दिखने लगा, बादल उड़ गया है, ये देखिए जा रहा है अपने साथियों के साथ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी मंसूरी गए काफी ब्लॉग्स पार्ट टू पार्ट आते रहेंगे, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय बाबा की।